फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मामा एंड दीवान। मैं हूं निशा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉर्म इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रीजन है वॉर्म इन्फेक्शन के, क्या सिम्टम्स हैं और क्या इसके ट्रीटमेंट है। फर्स्टली फ्रेंड्स, वॉर्म इन्फेक्शन जो है बच्चों में होना बहुत ही कॉमन है। अराउंड 98% बच्चों में वॉर्म इन्फेक्शन होता ही है। इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या इसके कॉजेज हैं और क्या इसके सिम्टम्स हैं, कि बच्चों को वॉर्म इन्फेक्शन है ये कैसे हम पता करें। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो वॉर्म इन्फेक्शन है वो बच्चे इजिली कैच कर सकते हैं। इजिली जो हमारे डे टू डे जो रूटीन है उसी से बच्चे इजिली कैच करते हैं वॉर्म इन्फेक्शन। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वॉर्म इन्फेक्शन बच्चों में होना बहुत ही नॉर्मल है। तो बात कर लेते हैं कि अब बच्चों को ये जो वॉर्म इन्फेक्शन है ये होता कैसे है, किस थ्रू बच्चों को ये इन्फेक्शन होता है। ओके, वॉर्म इन्फेक्शन के कॉजेज से पहले हम बात कर लेते हैं कितने टाइप ऑफ वॉर्म्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे तरीके के वॉर्म्स होते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म। पिन वॉर्म को ही हम थ्रेड वॉर्म बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, जो बेबीज के अंदर पाया जाता है। यही सबसे ज्यादा जो है बच्चों को अफेक्ट करते हैं थ्रेड वॉर्म। तो क्या कॉजेज है, हम बात कर लेते हैं कि बच्चों को ये जो वॉर्म इन्फेक्शन है कैसे ये अफेक्ट करता है। ओके, फर्स्ट बात कर लेते हैं बच्चा जो ये इन्फेक्शन है कैसे कैच कर लेता है। पहला कॉज है कंटामिनेटेड फूड या वेजिटेबल्स। बच्चों ने मान लीजिए कोई ऐसा फूड या वेजिटेबल कंज्यूम कर लिया जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है या जिसमें कीड़े हैं, वो बच्चे ने मान लीजिए हमने अच्छे से वॉश नहीं किया और वो बच्चे ने खा लिया वो फूड, तो उसके थ्रू भी बच्चे को ये इन्फेक्शन इजिली कैच करता है। इसलिए बोला जाता है कि हमें जो सब्जियां हैं या वेजिटेबल्स है उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू बच्चे इजिली ये इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए बच्चे ने अंडर कुक्ड या फिर कच्चा खाना या वेजिटेबल बच्चे ने खा लिया या फिर अंडर कुक्ड फूड बच्चे ने खा लिया, उसके थ्रू भी बच्चे को इजिली ये जो इन्फेक्शन है वो कैच करता है। इसीलिए खाना जो हम बच्चे को देते हैं वो प्रॉपरली बॉइल होना चाहिए। अंडर कुक्ड फूड बच्चे को नहीं देना है या फिर कच्चा खाना बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए हमें बच्चे को जो है प्रॉपरली कुक फूड देना चाहिए ताकि बच्चे ये इन्फेक्शन कैच ना कर सके। थर्ड, बच्चे ने मान लीजिए आपके घर में पेट्स हैं, पेट्स के थ्रू भी बच्चे इजीली इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, क्योंकि पेट्स की बॉडी में भी ऐसे वॉर्म सर्वाइव करते हैं। और मान लीजिए अगर आपके घर में पेट्स हैं और बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं तो उसके थ्रू भी बच्चे वो इन्फेक्शन इजीली कैच कर लेते हैं। फोर्थ, कंटेमिनेटेड वाटर। मान लीजिए बच्चा पानी में खेल रहा है या गलती से बच्चे ने कोई गंदा पानी है वो बच्चे ने कंज्यूम कर लिया, उसके थ्रू भी बच्चे को ये इन्फेक्शन होना बहुत ही नॉर्मल है। तो ये सब चीज आप देख सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि एक साल के बाद जो है बच्चा खेलता ज्यादा है, अकेले ज्यादा, अनअटेंडेड ज्यादा रहता है। तो बच्चे कई बार क्या होता है, गंदे फ्लोर पे अगर खेल रहे हैं वही हाथ बच्चे मुंह में दे रहे हैं तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन जाता है। मान लीजिए मिट्टी में खेल रहे हैं, बच्चे खेलता खेलता वही हाथ मुंह में दे दिया तो इजिली बच्चे को इन्फेक्शन कैच कर लेता है। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिसके थ्रू ये वॉर्म इन्फेक्शन बच्चे कैच कर लेते हैं, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये कॉजेज हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हैं वॉर्म इन्फेक्शन के, कैसे पता करें कि बच्चे को वॉर्म इन्फेक्शन ही हुआ है, कैसे पता करें, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अभी रिसेंटली मेरे बेबी को भी वॉर्म इन्फेक्शन हुआ था। मेरा बेबी 15 मंथ्स का है, तो 15 मंथ्स में यूजुअली बच्चे जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं खाने से। तो फर्स्ट हमें भी यही लगा था कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, शायद अभी वो खेलने में ज्यादा बिजी है इसीलिए नहीं खाना ले रहा है। लेकिन हमें फिर उसके वेट पे भी डाउट हुआ कि उसका कहीं वेट तो कम नहीं हो रहा या वेट उसका कॉन्स्टेंट तो नहीं है, तो क्या ये वॉर्म इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम तो नहीं है। उसको जैसे हम खाना देते थे तो उसको खाने की इच्छा नहीं होती थी, वो वॉमिटिंग टाइप फील करता था जैसे उसको वॉमिटिंग आ रही हो। तो ये कुछ चीजें मैंने अपने बेबी के साथ नोटिस करी, जिससे हमें डाउट हुआ कि बेबी को वॉर्म इन्फेक्शन तो नहीं है। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स हैं वॉर्म इन्फेक्शन है, कि बच्चे के अंदर कैसे पता करें। कि सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है कि बच्चे को वॉर्म इन्फेक्शन है, आपने अगर कभी आप नोटिस कीजिएगा, बच्चे को जो है
जो स्टूल बच्चे जहाँ से पास करते हैं उस एरिया में बच्चों को बहुत ज्यादा इचिंग होती है, और ये इचिंग मोस्टली बच्चे को रात के टाइम ज्यादा होती है, बच्चा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये एक सिम्टम है या ये एक साइन है कि बच्चे को वॉर्म इन्फेक्शन है, तो ये आप नोटिस कर सकते हैं। या फिर बच्चा जो स्टूल पास कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा स्मेल है, यूजुअली स्मेल होती है, लेकिन अगर बच्चे को वॉर्म इन्फेक्शन है तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक फाउल सा स्मेल होगा बच्चे की जो पूप है उसमें, तो आप चेक इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर बच्चों को स्टोमक रिलेटेड इश्यूज होना, जैसे कि बच्चे को पेट में दर्द होना या फिर गैस होना, ब्लोटिंग होना, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चे का वेट बहुत कम हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है कि बच्चा अच्छे से खाना तो ले रहा है लेकिन बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, वेट कांस्टेंट है। वो यही रीजन है कि जो बच्चा आपका खाना तो खा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, बच्चा जो डाइट ले रहा है, अगर बच्चे के पेट में अगर वॉर्म्स है, वॉर्म इन्फेक्शन है बच्चे को, तो वो जो जितना भी जो डाइट बच्चा ले रहा है तो वो जो वॉर्म्स है वो बच्चे का जो फूड है वो कैच कर लेते हैं, वो खा लेते हैं क्योंकि उनको भी सर्वाइव करने की जरूरत है। तो वो जो भी डाइट है बच्चे की वो उसको लेते हैं और वो अंदर ही अंदर वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए इसको टाइम से नोटिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है बच्चा आपका अच्छे से खाना खा रहे लेकिन बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, वेट कांस्टेंट है, तो आप जरूर इस चीज को ध्यान रखिएगा। बच्चे का जो खाना है, बच्चे ने खाना खाना कम कर दिया है, मान लीजिए पहले बच्चा अच्छी डाइट लेता था, बच्चे ने खाना कम कर दिया है, बच्चे का जो डाइट है वो कम हो गई है, बच्चे को थकावट ज्यादा हो गई है, बच्चा एक्टिव नहीं है ज्यादा, तो ये सब चीजें आप नोटिस कर सकते हैं बच्चे के अंदर। बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है या खाना देखते ही बच्चे से वॉमिटिंग से फील करते हैं, तो ये सब साइन है कि बच्चे को वॉर्म इन्फेक्शन है। सीवियर कंडीशन में आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे के स्टूल में जो स्टूल पास कर रहा है उसमें कई बार बच्चे को ब्लड भी निकलता है, प्लस कई बार आप अगर देख सकते हैं नाइट के टाइम में मोस्टली अगर आपको लगता है कि बच्चे को वॉर्म इन्फेक्शन है तो नाइट के टाइम में बहुत एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है, आप देख सकते हैं जो बच्चे है जहां से स्टूल पास करता है उस एरिया में आपको थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट आपको दिखेगा उस एरिया में, क्योंकि जो वॉर्म्स हैं वो उस तरफ होते हैं, थ्रेड वॉर्म्स ज्यादातर मोस्टली वहीं सर्वाइव करते हैं। तो आप ये भी एक साइन है जो आप चेक कर सकते हैं कि बच्चे को वॉर्म इन्फेक्शन है। तो अगर आप ऐसे कोई सिम्टम्स या साइन आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए या पीडियाट्रिशियन से जरूर एक बार कंसल्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो जो मैंने ये सिम्टम्स बताए ये कुछ सिम्टम्स हैं कि बच्चे को वॉर्म इन्फेक्शन है, आप पता कर सकते हैं। मेरे बच्चे को भी ऐसी कुछ सिम्टम्स है, उसको नींद कम आती थी, उसका खाना उसकी जो डाइट है पहले से कम हो गई थी, तो हमें भी डाउट हुआ कि कई बच्चे इसको वॉर्म इन्फेक्शन तो नहीं है क्योंकि खेलता रहता है, कई बार ये बच्चे अनअटेंडेड रह जाते हैं, बच्चों को आदत होती है नीचे से कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं, तो ये सब बच्चों के अंदर आदत होती है जो हम कई बार नोटिस नहीं कर पाते। तो अगर आप ऐसी कुछ नोटिस कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। मैं भी लास्ट वीक मैंने भी अपने बेबी के लिए पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया था, डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो आप बात करके जो भी अपने सिम्टम्स हैं जो आप एनालाइज कर रहे हैं अपने बेबी के साथ आप बता सकते हैं अपने डॉक्टर को, तो डॉक्टर आपके बेबी को एग्जामाइन करके आप चेक करके अगर वॉर्म इन्फेक्शन है तो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, या फिर बहुत से केसेस में क्या होता है डॉक्टर जो है स्टूल टेस्ट करते हैं या फिर कई बार अल्ट्रासाउंड करते हैं, बहुत एक्सट्रीम केसेस में अगर बच्चे को ज्यादा जो सीवियर कुछ कंडीशन है तो उस केसेस में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं। कई बार आपको अगर ऐसे कोई सिम्टम या ऐसे कुछ चीजें आप अपने बेबी के साथ एनालाइज कर रहे हैं तो ज्यादा आप वेट मत कीजिए। बहुत से लोग होम रेमेडीज भी फॉलो करते हैं लेकिन मैंने कोई इसके लिए होम रेमेडी फॉलो नहीं करी। मेरे को ऐसे लास्ट 2-3 हफ्ते से मैं अपने बेबी के साथ ऐसी कुछ चीजें नोटिस कर रही थी, उसकी नींद भी कम हो गई थी, तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो आप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके डॉक्टर आपको प्रॉपरली बता पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो मेरे को जो डॉक्टर ने एक सिरप लिखा है मेरे बेबी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार जरूर आपकी जो बेबी की कंडीशन क्या है या क्या सिम्टम आप एनालाइज कर रहे हैं एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप अपने बेबी को कोई भी मेडिसिन दे, आप घर पे कोई भी होम रेमेडीज के लिए फॉलो ना करें। तो हमारी जो डॉक्टर है उन्होंने हमको जेंटल सिरप लिखी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ।
इस तरीके का आता है ये जेंटल सिरप, 10 ml का आता है, 18 rupees का कुछ है ये। तो ऐसे हमको बोला गया है कि 2 bottle लेने के लिए, और ये वीक में, जैसे मैंने आज दिया अपने बेबी को, 2 हफ्ते बाद मुझे फिर देना, यानी कि 15 days के गैप में फिर देना है। लेकिन ये सेम बॉटल नहीं देनी, ये 10 ml की बॉटल है, 5 ml मैंने अपने बेबी को दिया, उसके बाद ये बॉटल दोबारा कंज्यूम नहीं करनी, इसको यूज नहीं करना, क्योंकि एक बार बॉटल ओपन करने के बाद इसको दोबारा यूज नहीं करना। सेकेंड टाइम में आप न्यू बॉटल लेके फिर से 2 हफ्ते बाद 5 ml दे सकते हैं। वॉर्म इन्फेक्शन को सही टाइम पे ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे को एक्सट्रीम केसेस पे क्या होता है, बच्चे खाना प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, बच्चों को आयरन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चों को एनीमिया भी हो सकता है, बच्चों को डायरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए वॉर्म इन्फेक्शन को सही टाइम पे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हमें अपने साइड से जो ध्यान में रखनी है, जो बच्चे के आसपास की जो भी सराउंडिंग्स है उसको प्रॉपर क्लीन रखिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए बच्चे के आसपास वाली एरिया को। जो बच्चे के जब भी आप डायपर्स चेंज करें उससे पहले और बाद में अपने हैंड्स को भी वॉश करें, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन कैच ना करे हमारे थ्रू। थर्ड थिंग, बच्चे के जो नेल्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे कट करते रहिए, क्योंकि बच्चे को आदत होती है हाथों में देने की, उससे भी बच्चे बहुत जल्दी इस इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं। बच्चे को हमेशा जो आप खाना दे प्रॉपरली कुक्ड हो, बच्चे का जो पानी आप पिला रहे हो वो फिल्टर्ड वाटर हो, प्रॉपरली बॉइल किया वो वाटर हो जो बच्चे ले रहे हो, और बच्चे को ज्यादातर जिस बच्चे जहाँ खेलते हैं उस एरिया को आपको क्लीन रखना है। ध्यान रखिएगा बच्चे ज्यादा गंदे पानी में ना खेले या किसी गंदे पानी को कंज्यूम ना करें। बच्चे को जो आप फ्रूट्स दे रहे हैं वो प्रॉपरली वॉश्ड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा जो बच्चे के जो क्लोथ्स हैं उसको ज्यादातर गर्म पानी से वॉश कीजिए, बच्चे के जो बेडशीट्स हैं उसको भी प्रॉपर क्लीन रखिए, आसपास की सराउंडिंग्स को अच्छे से क्लीन रखिए, प्रॉपर हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। बच्चे की जो पॉटी सीट है उसको भी प्रॉपरली क्लीन रखिए, प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब बच्चा क्रॉल करना शुरू कर देता है, जब बच्चा वॉक करना शुरू कर देता है, जो हमें बच्चों के साथ ध्यान रखनी है। यानी कि कुल मिला के प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना है बच्चे के आसपास, ताकि बच्चे किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन कैच ना करे। इसके अलावा बच्चे के जो खाना है उसमें ज्यादातर आप जो टर्मरिक है, क्लोव है, गार्लिक है, क्यूमिन सीड्स हैं, ऐसी चीजों का ज्यादा यूज कीजिए, क्योंकि इन सब में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है। तो इन चीजों को भी बच्चे के खाने में इंक्लूड करें। तो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो, तो होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आपका बेबी 1 year old है, ये क्रॉल करने लगा है, तो अगर आप ऐसे कोई सिम्टम्स अपने बेबी के साथ नोटिस कर रहे हैं तो आप जरूर अपने पीडियाट्रिशियन के साथ जरूर कंसल्ट कीजिए। तो होप कि वीडियो आपको यूजफुल रहे, तो ऐसी इस वीडियो को काफी शेयर करें ऐसे मॉम्स के साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत है, उन मॉम्स के साथ शेयर करें, जो भी न्यू मॉम्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको हिट करिए, फ्यूचर में मेरे वीडियोज की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आप ब्लॉग्स, DIYs, रेसिपी वीडियोस, ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, आप मेरे सेकंड चैनल इजी लर्न विद निशा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।